हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ओडी स्टार्ट करने वाले हैं, और ओडी के कुछ मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगभग आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका CSIR में पूछा जाता है, फिर गेट में, और आपका सेट हो कहीं भी स्टेट का, कोई भी PSC हो, तो इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लगभग यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका मतलब इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। और अगर हम बात करें, क्योंकि अभी CSIR का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है, तो फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इस पे CSIR पे रहेगा। तो अभी हम इसका क्विक रिविजन करेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो इसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे लगभग हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, उन पे हम पहले फोकस करेंगे, उसका एक जो शॉर्ट जो ट्रिक्स हैं वो रिवीजन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बाकी डिटेल्स में हम जब हमारा गेट का चलेगा क्लासेस, उस टाइम हम इसकी जो डिटेल है वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो CSIR में सबसे पहले कि इसमें कितना मार्क्स का लगभग पूछा जाता है ओडी से, तो ओडी का जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है CSIR में, वो आपका मिनिमम अभी तक 15.50 नंबर का पूछा गया है, और मैक्सिमम जो पूछा गया है वो आपका 25 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, और इसमें मिनिमम 4 to 7 क्वेश्चंस आपके रहते हैं हर बार आपके CSIR में। और जैसे कुछ एक इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे आपका यहाँ से रॉन्सकिन हो गया, फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो गया, है ना, फिर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, स्टर्म लिओविल थ्योरम हो गया। तो ये कुछ एक जो है वो पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से लगभग आपका क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे अगर आप इनको कर लेते हैं तो एटलीस्ट हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मिनिमम 15 मार्क्स है, इतना तो आप गेन कर ही सकते हैं इतना पढ़ के। सो हम मिनिमम पे ही लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम ओडी को। सो फर्स्ट वी डिफाइन ओडी एंड देन वी विल सी व्हाट इज नेक्स्ट। सो ओडी इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप से। ठीक है, ओके। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है, जिसमें आपके पास डेरिवेटिव्स कंटेन होता है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपके पास अगर डेरिवेटिव्स कंटेन हो रहा है किसी इक्वेशन में, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देते हैं कि वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपके पास जैसे वन और मोर डिपेंडेंट, तो जैसे एक्स है और वाई है, ये दोनों आपके सपोज कीजिए ये भी टी पे डिपेंड कर रहा है और ये भी टी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वन और मोर देन वन आपके दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, किस पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो जैसे कोई इस टाइप से dx/dt प्लस dy/dt इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो गया और जो डिपेंडेंट है वो दो वेरिएबल हो गए, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और जहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना आके वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, तब हम उसको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे जैसे फंक्शन है एफ, वो एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप एक्स और वाई ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। ठीक है, तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, और उसमें इस टाइप के जो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो हम बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या हो गया, जिसमें आपका वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आगे आता है कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका डिग्री और ऑर्डर की बात हम लोग करते हैं।
ठीक है, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में क्या करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, टू ऑर्डर इक्वेशन है, थ्री ऑर्डर का है, जैसे टू ऑर्डर को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो फर्स्ट का आता है उसको लीनियर बोलते हैं, इसी टाइप से इनमें भी डिफाइन होता है। ठीक है, ओके, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, तो नेक्स्ट हम लोग, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री एंड ऑर्डर की। ठीक है, तो डिग्री आपका कुछ नहीं होता है, जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो हाईएस्ट कंपोनेंट होता है। अब इसके पहले हमें ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर जो होता है वो आपका कुछ नहीं होता है, जो आपका जैसे आपके इक्वेशन में सपोज कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो अब आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट आपके पास डेरिवेटिव कौन सा, यहाँ पे ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, आपके पास यहाँ पे 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव दे रखा है, तो हाईएस्ट आपके पास कौन सा इस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, 2, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा उसका जो ऑर्डर हो रहा है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हाईएस्ट, तो ये आपका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। अब आप डिग्री के लिए क्या देखेंगे कि जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसका कितना हाईएस्ट पावर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपका डिग्री हो जाता है। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल लें, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का पावर समथिंग 50 ले लीजिए प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसकी ऑर्डर और डिग्री की अगर बात करेंगे, तो ऑर्डर तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल रहा है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो आपका 3 हो गया। अब डिग्री के लिए हम क्या देखेंगे कि इसका हाईएस्ट हमारे पास 3 ऑर्डर का मिल रहा है, तो इसका कितना पावर है, इसका पावर आपके पास 1 है, तो आपके पास जो डिग्री हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर 50 आ रही है, बट ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे और उसका कितना पावर आ रहा है, इसमें हाईएस्ट कितना पावर आ रहा है उसको हम डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम अभी काम आएंगे जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ जब डिफाइन करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो किस टाइप की दी हुई है, तो वहाँ पे ये ऑर्डर और डिग्री आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे, तो इससे आगे जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो आपका आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर जो इंटीग्रल है वो सब देखेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वाला जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके।